के कुंडली बॉर्डर पर आप देख सकते हैं हरियाणा और पंजाब के किसान यहाँ खड़े हैं, आपस में भाईचारे के साथ खड़े हैं किसान आंदोलन को लेकर। इनसे जानेंगे कि इस किसान आंदोलन को लेकर इन किसानों का आज क्या कहना। हम लगातार आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कुंडली बॉर्डर से। भाई कहना अपना? आनंद 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 गुणगाम भाई, पुट्ठी पुट्ठी गांव से आनंद है भाई। भाई जो कृषि कानून लागू करें आज बड़े बड़े चैनलों पे, बड़े बड़े अखबारों में सारे में की बात आ रही है, अगर भाई जो ये कानून लागू करें हैं, कृषि बिल पास करें हैं, ये बहुत समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी समय के अनुसार, और भाई कानूनों से किसानों को बहुत फायदा होने वाला था, क्या कहना चाहोगे? कोई फायदा नहीं किसानों को, कहाँ फायदा हुआ, कितना टाइम सरकार तो का बहुत फायदा होगा, कोई फायदा नहीं। कैसे फायदा? एक परसेंट भी फायदा नहीं है। कैसे है अब ये धान बिके हैं के भाव बिके है? 1000 से 1200 रुपये कुंटल बिक गया धान, जो 2500 से 3000 रुपये तो कम से कम बिकना चाहिए था। बताओ क्या फायदा हुआ फिर कानून का? जिन्हें लै रहा किसानों वास्ते मारू फैसले लै रहा, तिने आर्डीनेंस पूरे लोगों लोग ने वोटा पा के पाया, इन्हें पूरा लोकतंत्र का घाण किया। राज सभा कहना मुलतवी कर, कहना कल तक मुलतवी करती, जदों सारे लोग बाहर आ गए कहना बिल तो पास भी करता। लोग ये फैसले मुकेश अंबानी अडानी उन्होंने करके लै रहा तगड़ कराने। आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार बुला रही है दिल्ली किसानों को भी, आओ बातचीत करते हैं और आंदोलन को खत्म करो ताकि माहौल कुछ नहीं करना इन्हें सरकार ने। जो काम हो जाता तो बैठे क्यों जिम्मेदारी? यानी कोई आस नहीं? ना कोई आस नहीं, मेरे झूठ के बंडल पे आंदोलन कब कल चल रहा है? जब तक सरकार ना मानो यो टूटे नहीं गाकुंडा भी संभालना है। के बात है घरकुंड जा पाते सही है? घरकुंड बात वैसे तो बर्बाद हो रहा है, घरकुंड क्या करेगा, यहाँ बैठे रहेंगे तो फायदा है? बच्चे ना भविष्य आते चाहे 6 महीने लग जाए चाहे साल लग जाए, इतनी बैठना डर के वैसे भूखे मरने भाई साहब वापस नहीं लेंदा, तो यही बैठ के कुछ होगा तो होगा, तरना तो बच्चे तो वैसे ही भूखे मर रहे, आमदन है ही नहीं तो बच्चे क्या करेंगे बताओ। जीएसटी सड़ी होनी है, ये 2.5% का जीडीपी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर है, उन्हें भी कही है अगर भाई फायदे खातर है मान जो, लेकिन किसान ने की समझ में नहीं आ रही ऐसे जुबान से कहने से क्या उसमें लिखो ना, कानून में लिखो ये बात है, लिख के दो दीप दापता बैठे बोलने का, तो कुछ भी बोल रहे है, छत्रवाद बोल रहे है, मोदी भी बोल रहा था अमीर आदमी पैसे गोली खा के सोएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला किसाना के हक्के आवाज लेकर ट्रैक्टर लेकर संसद में पहुंच गया था, आज वो भी चुप है, वो गद्दार है, वो तो गद्दार निकला, उसने तो बीजेपी के तो खिलाफ वोट ली रूनी की गोद में जाकर बैठ गया, अब ये किसान रोड पे खड़े हो किसान नेता बन रहा तब कहा है बताओ, मिली भी है, पैसा मिल रहा खुला, अब तो एक जुबान भी नहीं निकालता किसान के बारे में। इस्तीफा दे किसान कि दिल्ली आ जाते सारा दसान चुटाले करके होया गदार निकलिया पूरा, हो हरियाणा देखो कल की कुछ होया, फिर भी किसान चीरदे होए दिल्ली पहुंचे ने। कल रणदीप सुरजेवाला इतने पहुंच गए थोड़े किसान दल पहुंच के, एक गल कही हैगी जे साडी कांग्रेस सरकार आएगी पहली कलम नाल ये तीनों कानून असीं खत्म कर दिया। गल से उन्हें कहा पहला है को भरोसा गल का ना, राहुल गांधी ने भी कहा पंजाब जाके नहीं है को भरोसा किसका किसका? रणदीप सुरजेवाला ने एक बात कही है, रणदीप सुरजेवाला क्या लग रहा है वो क्या देगा, वो लोग हमारी सरकार आ गई ने तो ये सबसे पहले बैठते राज में बैठते पहली कलम से ये तीनों कानून खत्म कर दो कि मैं है बास कुछ नहीं झूठा, कोई फायदा नहीं, झूठा है? हाँ झूठ, हाँ झूठा भाई, झूठ है, झूठ। तो भाई रणदीप सुरजेवाला का बयान हमने बताया इनको भाई, जैसे उन्हें कहा था रणदीप सुरजेवाला कल आंदोलन में पहुँच कर कि पहली कदम से उनके राज आते ही ये तीनों कानून खत्म कर देंगे, लेकिन भाइयों का ये कहना है कि कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा तो भरोसा क्या था नहीं, भरोसा टूट रहे हुआ तोड़ रखा, कोई भी काम करके राजी नहीं है, जो जुबान कर ले सब झूठी पावा है, कोई धन नहीं बात का। यहाँ एक और बुजुर्ग किसान जा रहे हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ सामने देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते। राम राम जी नमस्कार, कैसे हो आप, कहाँ से हो, क्या नाम है? मैं कृष्ण मराठा करनाल जिले से हूँ। कृष्ण मराठा करनाल जिले से, और पे जो खट्टर कह रहा ना भैया हरियाणा का किसान नहीं है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा, उन्हें तो मोदी की चमची मारनी, और उन्होंने पूछे यू जो बॉर्डर तोड़े हैं सारे जो इन्हें लाए थे नाके लाए थे पंजाब वाले तो पीछे थे, हरियाणा वाले वहाँ सारे बॉर्डर तोड़ दो आए, इसके क्या लगे थे इसके वहाँ, ये कह रहे भैया हरियाणा का किसान आए ही नहीं, इसके कहने से क्या बन जाएगा, तो क्या मेरा के कह रहा यू तो कभी क्या नाम बताता आपने? कृष्ण मराठा।
मराठा साहब एक बात हो, कृष्ण मराठा जिला करना, मराठा साहब एक बात बताओ, सरकार आज भी अदावा करने लग रही है, अक समय की मांग थी जो ये कानून पास कर गए, लेकिन किसानों के दिमाग में बात नहीं, किसानों को समझ में नहीं आ रही अब किस कानून के कितने फायदे हैं, क्या कहोगे? ये किसानों, ये जो कॉरपोरेटर का चमचे हैं, ये चुनाव के टाइम में इनसे पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बाद जब ये थोड़ा कोरोना आया, कोरोना की आड़ में इंडिया की जो ये थी क्या बोलते हैं इसको, विकास दर है, ये डाउन चलेगी, बिल्कुल 23% डाउन चलेगी, 23% समझ गए ना, 4% जो फायदे में रही तो किसान की फसल की वजह से रही, तो ये जो बड़े घराने हैं कॉरपोरेटर हैं इनका ध्यान हो गया साइड में, भैया बचत है, इसलिए मोदी तो इनकी कठपुतली है, तो इन्हें क्या कर रहा मोदी, इन्हें कह मोदी था भैया खेती है ना सानू सानू दो, इन्हें खेती लेकर इन्हें सारों को अपने बंकर बना लिए, अनाज धरती में बड़े बड़े बंकर बना लिए, एक तो कैथल जिले में बनाए रखे हैं, इन्हें पूरे इंडिया में बना लिए, हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान है जो लड़ाई लड़ रहा है, ये न्यू कह रहे अभी दूसरे देश प्रांत के किसान सरकार न्यू कह फायदे के हैं आपके साथ, फायदा ही नहीं, फायदा क्या है इसमें, नंबर एक हमारा MSP की कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं देंगे। एक बात और पूछना चाहूँगा, मैंने समझ आदमी लाके पढ़े लिखे लागे, कल रणदीप सुरजेवाला ने किसान आंदोलन में पहुँच के एक बात कही है, अगर जब हमारी कांग्रेस सरकार की राज आया ने तो पहली कलम से सबसे पहले 3 कानून बेटेंगे हम, एक ही बात पर भरोसा है, मेरी बात तो सुनो, जो कांग्रेस पार्टी है नहीं, स्वामीनाथन 2006 में उसके टाइम में लागू आया था, यदि वो स्वामीनाथन ना लागू कर जन दे, और उन्होंने लागू नहीं कराया, 14 मई बीजेपी कहने लगी, रणदीप सुरजेवाला की बात पर है कि मैं भरोसा नहीं, उसकी बात पर भरोसा कैसे कर रहा है, ना तो कांग्रेस कर दी मारा कुछ ना, 70 साल हो हम कांग्रेस में देख रहे, 60 साल हो, ना तो कांग्रेस कर दी, कांग्रेस से परेशान होगा, इस मोदी को वोट दिए थे, मोदी को इसलिए दिए थे भाई शायद कांग्रेस हमारी नहीं सुन रही होगी, मोदी तो सुनेगा, इन्हें कपड़े कैट कर नंगे हो गए, ना हम स्वामीनाथन सुरजेवाला बात का कोई दन नहीं, वो उसकी बात ही नहीं है कुछ भी, कंधे रहो वहाँ यूँ कंधे रहो और चलते रहो, कोई मतलब नहीं है बात का इनकी, ये सारे राजनीति कर रहे इनका कोई फायदा नहीं है। दुष्यंत चौटाला भी किसानों की आवाज़ के लिए, हक के लिए, उनके उनके हकों के लिए किस ट्रैक्टर लेकर उड़ पहुँच गया था, सारे की सरकार देख चुके हैं, जब इनकी सरकार आ जाती है ना यहाँ किसान से दूर भाग जाते हैं, और जब इनकी सरकार चली जाती है ना तो किसान की वोट लेने के लिए ये आगे आ जाते हैं, हम न्यू करेंगे न्यू करते कुछ नहीं, सारे देख लिए कहेंगे फिर देख लिए, फिर थोड़ी देख के तीन चार फिर देख लिए, क्योंकि जाप्ता होगा इस काम का, जाप्ता तो देखो परमात्मा करेगा, वो है ऊपर लंबी बांह उसकी, धरती में कोई आस नहीं किसे थे, अभी तक की राजनीतिक पार्टियां में तो मानना कोई आस नहीं किसी पे भी, किसी पर नहीं, जो देख ली थोड़ा सा पूरा दिल्ली में केजरीवाल की सुन रहे, पता नहीं यू क्या करेगा, आओ सगा यू किसान आंदोलन चल रहा है, जब किसान इनको बना सकता है, केजरीवाल पे आस है कि बे, केजरीवाल से ऐसा है थोड़ा सा ये शिक्षा और स्वास्थ्य दे रहा है शायद भाई थोड़ा बहुत कर दिया, किसाना का भी कह रहा हो उन्होंने 2600 रेट दिया, एसआई जेल बनावा थे नाटक क्यों कह रहे, केजरीवाल भी 2600 देवे था रेट, यहाँ गेहूँ का रेट 2600 है पूरा, यहाँ पर हमारा 1900 है, चलो फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है, थोड़ा बहुत तो बेनिफिट दे ही रहे इनसे, तो ज्यादा इनसे तो ठीक है, मतलब कि मैं आस है केजरीवाल से, बुजुर्ग किसान इनसे बात करें, बापू जी की कहना चाहोगे? पहली गल तो जी असं गुरदासपुर तो आए हाँ, पंजाब तो हल्का डेरा बाबा नाम राजविंदर सिंह पोजराज मेरा नाम आ, सरकार के लिए फायदा कानून का किसानों समझ नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं है, फिर कदों तक इतना धरना देना है? हाँ जी धरना, हाँ धरना तो जिन्ना चेर भी सू देना पऊ देवे असं, जितना चेर भी देना पेगा भावें साल लग जाए 6 महीने लग जाए, हक लैके जाएंगे, वापस खाली हाथ नहीं मुड़ना, ना खाली हाथ नहीं मुड़ना जी, भावें सू जेल में दे, तो यहाँ देखा आपने किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि अब हम अपना हक लेकर रहेंगे, और जुड़े रहिए आप हमसे, बने रहिए हमारे साथ, ग्राउंड मीडिया आपको जीरो ग्राउंड से आपको हर रिपोर्ट दिखाता है किसान आंदोलन की, कुंडली बॉर्डर से मैं अपने कैमरा सौगी राजू शर्मा के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।